मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि एस्ट्रो तक की वीडियोस को शेयर करना तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है, किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। इसलिए शेयर तो बनता है, शेयर जरूर करें। और खास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे, मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा हूं। तो चलिए कमल नंदलाल के महा उपाय में अब हम बात करेंगे। महाशिवरात्रि स्पेशल सीरीज में एक बहुत ही खास विशेष टोटके की, एक बहुत ही खास विशेष महा उपाय की। आज का ये जो विशेष एपिसोड है महाशिवरात्रि स्पेशल का, यह है बीमारियों को दूर भगाने का महा उपाय। शिवलिंग पर इस फल का रस चढ़ाएं और बीमारियों से छुटकारा पाएं, दूर भगाएं बीमारियों को, क्योंकि हमारे महादेव तो काल कालाधिकाल हैं। रोगों की क्या क्षमता है और रोग कर भी क्या सकते हैं, ये विशेष उपाय आपको बताऊंगा। इस उपाय में साइंस भी इन्वॉल्व है, इस उपाय में प्राकृतिक औषधि भी इन्वॉल्व है और भगवान शंकर को तो औषधियों का स्वामी माना गया है। भगवान शंकर को, महादेव को मृत्यु का स्वामी माना गया है, मृत्यु की भी मृत्यु माना गया है, तभी तो उन्हें मृत्युंजय कहा जाता है, एकमात्र देवता है। देखिए, श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, उन्होंने भी संसार त्यागा। नरसिंह उत्पन्न हुए, शारब अवतार द्वारा उनका भी हनन किया गया। राम उत्पन्न हुए, उन्होंने भी जल समाधि ली। कोई भी अवतार जिसने मां की कोख से जन्म लिया है, उसे जाना ही है निश्चित। काल से परे एकमात्र स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर के स्वरूप को, मूर्त स्वरूप को देवादिदेव महादेव शंकर कहा गया है। और 11 मार्च के दिन संसार की उत्पत्ति की जयंती है, जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि वही एकमात्र शिव है जो शव में शक्ति का काम करता है, शव को जीवित कर देता है, और इसे ही मृत संजावन संजीवन कहा गया है। और मृत संजीवनी कई बूटियों का, कई औषधियों का उल्लेख शास्त्रों में किया गया, उसमें से एक है आंवला। तो विशेष तौर से महाशिवरात्रि के दिन संध्या के समय, जब सूर्य छुप रहा होता है, उसे कहते हैं गोधूली वेला। इस गोधूली वेला में एक आप विशेष उपाय करना है आपको। क्या करना है, थोड़ा सा आंवला ले लीजिए, जितना आप ले सकते हो, उसमें से 2-4 आंवले का रस निकाल लीजिए और बाकी आंवले अपने साथ ले जाइए धो करके। ओम ह्रोम जूम सह इस मंत्र का जाप करते हुए, ओम ह्रोम जूम सह इस मंत्र का जाप करते हुए आंवले के रस से शिवलिंग का अभिषेक कर लीजिए और जो आंवले हैं वो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद वो आंवले वहां से उठा लीजिए, उनको धो करके नियमित रूप से इसका सेवन करेंगे तो सारे रोग स्वाहा। कारण क्या, एक तो आंवले में विटामिन सी होती है सबसे ज्यादा, दूसरी बात आंवला औषध राज माना जाता है, और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि हम किसके अधीन हैं, बीमारियां भी जहां स्वाहा हो जाती हैं हम उसके अधीन हैं। तो इस शिवरात्रि पर ये महा टोटका, ये महा उपाय अपनाएं और बीमारियों से छुटकारा पाएं। मित्रों ऐसे ही और एपिसोड्स को लेकर हम आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो कल है आज से कुछ बेहतर, कुछ अच्छा हो। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।